दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी शानदार फोटो फिल्टर्स के लिए, पहचानी जाने वाली फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन इंस्टाग्राम के बारे में, जिसने कि लोगों के फोटोज को शेयर करने का तरीका ही बदल दिया। यह एप्लीकेशन आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज को भी काफी पसंद है और सिर्फ 7 साल के अंदर ही इंस्टाग्राम लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि फोटो शेयर करते समय आप इसके फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मनपसंद फोटोज और भी आकर्षक हो जाती है। साथ ही आप अपनी फोटोज में जियो टैग से अपनी लोकेशन भी डाल सकते हैं और इन सब के अलावा भी एप्लीकेशन के माध्यम से छोटी वीडियोस को भी शेयर किया जा सकता है। खैर ये तो हो गई बहुत ही जनरल सी बात, जिसे कि अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हैं तो बखूबी जानते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम को बर्बन नाम के एक प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट किया गया था और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वालों का नाम था केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीजर, जो कि एक अच्छे दोस्त थे। और वर्बन बेसिकली फोटोग्राफी से जुड़ा हुआ ही एक प्रोजेक्ट था, लेकिन फोटोग्राफी के अलावा भी इसमें कई सारे फीचर्स थे और एप्लीकेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से यह सफल नहीं हो सका। इस एप्लीकेशन की कमियों को पहचानते हुए केविन और माइक ने एप्लीकेशन के फीचर्स को कम करते हुए फोटो शेयरिंग पर कॉन्सेंट्रेट किया और कुछ निवेशकों से फंड इकट्ठा करने के बाद उन्होंने 16 जुलाई 2010 को इंस्टाग्राम नाम का एक एप्लीकेशन तैयार किया, जिसका नाम इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम से मिलकर बना हुआ था। और इस ऐप में सबसे पहला फोटो 16 जुलाई 2010 को ही पोस्ट किया गया, जो कि केविन सिस्ट्रोम की गर्लफ्रेंड का पैर और उनके कुत्ते का था। इस फोटो में इंस्टाग्राम का एक्स प्रो 2 फिल्टर यूज किया गया था। और दोस्तों इस एप्लीकेशन में फिल्टर का फीचर कैसे आया, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल यह आइडिया सिस्ट्रोम की गर्लफ्रेंड ने दिया था। उन्होंने सिस्ट्रोम से कहा कि वह अपनी फोटो ऐसी जगह पर क्यों शेयर करना चाहेंगी जहां पर उनकी फोटो और भी आकर्षक ना लगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिस्ट्रोम ने फोटो फिल्टर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में डाला था, जो कि इंस्टाग्राम की सफलता का सबसे प्रमुख कारण है। 2010 में अक्टूबर के महीने की 6 तारीख को इंस्टाग्राम की आधिकारिक एप्लीकेशन iOS के लिए ऐप स्टोर पर लॉन्च की गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद इंस्टाग्राम का एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। और तब तक इंस्टाग्राम लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हो चुका था कि लॉन्चिंग के पहले ही दिन प्ले स्टोर से इसे 10 लाख बार डाउनलोड किया गया, जो कि उस टाइम किसी भी एप्लीकेशन के लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और इंस्टाग्राम की यह सफलता अब धीरे धीरे फेसबुक को पीछे छोड़ने की राह में दिखाई दे रही थी और यह सब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी देख रहे थे। और इसीलिए 2012 में मार्क ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन जैसी बड़ी रकम देकर खरीद लिया। आगे भी इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन को लोगों के हिसाब से इम्प्रूव किया गया और सर्विसेज को और भी बेहतर बनाने के लिए इंस्टाग्राम के 3 स्टैंड अलोन एप्लीकेशन लॉन्च किए गए, जो कि बोल्ट, हाइपरलैप्स और बूमेरॉन्ग है। और फिर इंस्टाग्राम ने 2010 से अभी तक अपने 7 साल के रोमांचक सफर में काफ़ी सारे बदलाव देखे हैं, पर एक बात जो बदलती नहीं है वो है इसकी लोकप्रियता। जून 2017 के आंकड़ों के अनुसार इंस्टाग्राम पर लगभग 250 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और आज के समय में इस कंपनी के वैल्यूएशन लगभग 30 से 50 बिलियन डॉलर के बीच आकी गई है। और यही नंबर्स इस बात के सबूत हैं कि इंस्टाग्राम आज के समय में कितना ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।